नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। दिल्ली में फिरोज शाह स्टेडियम जो कि इंटरनेशनल स्टेडियम है उसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। 12 तारीख को ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। कुछ लोग इसे राजनीतिक वजह बता रहे हैं इस नाम बदलने की और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नाम बिल्कुल सही है। मेरे साथ क्रिकेटर, DDCA के लाइव मेंबर और DDCA की तरफ से पैनल एम्पायर प्रमोद सूद जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे क्योंकि DDCA का ही ये फैसला है, अहम बताया जा रहा है, इनसे जानेंगे कि आखिर ये सही है कि नहीं है। प्रमोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो दिल्ली दर्पण टीवी पर। धन्यवाद। और प्रमोद जी से ही जानेंगे इस बात को कि क्या ये सही रहा और क्या ये राजनीति के ढंग से इसे देखना चाहिए या फिर इसे इस ढंग से देखना चाहिए कि ये बेहद ज़रूरी था और अरुण जेटली जैसी शख्सियत को जो है ये नाम दे देना चाहिए था। प्रमोद जी क्या लगता है कि ये सही है, ये होना चाहिए था इस नाम का बदलाव जो है? इसका नाम होना भी क्यों नहीं चाहिए था, क्योंकि अरुण जेटली जो कि इस DDCA के 14 साल प्रेजिडेंट रहे हैं और उनकी देख रेख में स्टेडियम ने एक नया रूप धारण किया है। पहले ये छोटा सा स्टेडियम होता था और अब ये काफ़ी विशाल स्टेडियम बन गया है और उन्होंने इतना इस स्टेडियम के लिए किया है, क्रिकेटरों के लिए किया है, और आज अगर उनके नाम पे अगर इसका नाम बदल दिया जाए तो कोई इसमें कोई कमी वाली बात नहीं है। प्रमोद जी एक चीज़ और है, कुछ लोग इसे राजनीतिक ढंग से देख रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि 55 साल जब कांग्रेस ने राज किया था तो उन्होंने अपने जितने भी उनके नेता थे उनके ऊपर नाम रखा, जैसे कि राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इस तरीके से रखा। तो अब बीजेपी भी उसी काम को कर रही है, नाम बदलने की राजनीति पर आ गई है, सड़कों के नाम बदल दिए, अस्पतालों के नाम बदल दिए और अब जो है स्टेडियम का नाम भी अपने लीडर के ऊपर रख रही है। तो मुझे बहुत हंसी आती है इन बातों के ऊपर कि भाई अगर ये बात सोचे कि नाम बदल दिए जाएंगे, इंदिरा गांधी के नाम से इतने नाम हो गए या राहुल गांधी का, मैं इस बिल्कुल ही पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अगर ये इसका अरुण जेटली नाम कर दिया गया है तो इसमें कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। वो एक ऐसा आदमी जिसने क्रिकेट को बहुत प्यार किया और उस इस एसोसिएशन का DDCA का वो 14 साल प्रेजिडेंट रहा, अगर उसके नाम पर जो कि इतना खिलाड़ियों से प्यार करता था अगर उसके नाम पे रख दिया जाए तो इसमें कोई बात नहीं, इसमें पॉलिटिक्स को आना ही नहीं चाहिए। अच्छा, क्या मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि रजत शर्मा बहुत अच्छे दोस्त थे अरुण जेटली के और DDCA के प्रेसिडेंट हैं अभी प्रेजेंट में, तो इस वजह से उन्होंने ये अपील की होगी और उसके बाद फिर इस नाम को बदला गया होगा? देखो, मैं खुद इस बात को मानता हूँ कि वो बहुत अच्छे दोस्त थे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, मैं और उनको दोनों को अच्छी तरह जानता भी हूँ। और हाँ, रजत शर्मा जी अगर आज प्रेजिडेंट हैं, अगर उन्होंने अपने उस प्रेजिडेंटशिप के अंदर, इसके अलावा अकेले रजत शर्मा जी नहीं है, पूरी कमेटी है, DDCA की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उन लोगों ने डिसीजन लिया है, उन सभी के डिसीजन को उन्होंने पारित करने की कोशिश की है और अगर उसका नाम रख दिया गया तो मैं कहता हूँ दोस्ती एक अलग चीज़ है। मेरे हिसाब से तो अगर अरुण जेटली जी के नाम से अगर ये स्टेडियम का नाम रख दिया गया तो मैं मानता हूँ कि ये सच्ची श्रद्धांजलि है उनको। अच्छा, एक चीज़ और है, क्योंकि अरुण जेटली जैसे कि आपने बताया बड़ी शख्सियत तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि लेकिन वो DDCA के प्रेसिडेंट भी कई साल रहे, कितने बदलाव उनके प्रेसिडेंट रहते हुए फिरोज शाह कोटला मैदान में आए थे? देखो, 1976 से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, उसके बाद मैंने एम्पायरिंग भी की और इस दौरान मैंने देखा कि अरुण जेटली जी का मुझे अच्छी तरह याद है, वो खिलाड़ियों के बिल्कुल टच में रहते थे, उनको खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के बारे में भी पता रहता, कई बार उनसे अगर बात करते थे कि इस लड़के की सिलेक्शन नहीं हुई तो नहीं भी क्यों नहीं हुई तो वो एकदम बता देते थे कि इस लड़के की परफॉर्मेंस ये है, इसलिए उसकी सिलेक्शन नहीं हुई और इसकी सिलेक्शन इसलिए हुआ है कि वो इतना बढ़िया खेला है तो उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी परिवार से हो, चाहे गरीब परिवार से हो या अमीर परिवार से, उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा। अच्छा, क्योंकि बहुत सालों से आपने क्रिकेट भी खेला वहाँ पे और आप DDCA में पैनल एम्पायर भी हैं, आप मेंबर भी हैं, लाइव मेंबर, क्या लगता है कि पहले जब अरुण जेटली जिस समय पे आप क्रिकेट खेला करते थे उस समय पे फिरोज शाह कोटला जो बिल्कुल बदला हुआ था और आज के समय में इंटरनेशनल मैदान है और बिल्कुल बदला हुआ है, तो क्या लगता है जेटली जी का कितना योगदान उसके अंदर? जेटली सबसे पहले तो ये स्टेडियम बना है, ये स्टेडियम बन गया, ये बहुत बड़ी बात है और ये उन्हीं, मैं आई थिंक सो कि मैं समझता हूँ कि उन लोगों की बदौलत या उन कमेटी की बदौलत या जेटली जी के अथक प्रयास की बदौलत ये स्टेडियम बना। सबसे पहले तो स्टेडियम बनना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर ऐसा स्टेडियम नहीं था और अच्छा स्टेडियम ने रूप धारण कर लिया है और हमारी कोशिश, हमें ये लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर और बढ़िया स्टेडियम में बन जाएगा। एक सवाल और है यहाँ पर प्रमोद सूद जी, क्योंकि आप लगातार जो है जानकारी हमें इस बारे में दे ही रहे हैं तो सवाल पूछना ये भी लाजमी हो जाता है यहाँ पर कि अरुण जेटली स्टेडियम होने के बाद क्या फिरोज शाह कोटला की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का ये स्टेडियम है लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नाम पर भी जो है बहुत कुछ डिपेंड करता है और लोगों के दिमाग में इस समय छपा हुआ था कि फिरोज शाह कोटला नाम का एक स्टेडियम है। नहीं देखो, जो इतने सदियों से ये बना हुआ है, मेरे ख्याल का इसको बने हुए जहाँ तक मुझे जितना भी याद है, मुझे बताया कि 60-70 साल इसको बने हुए हो गए हैं, तो नाम परिवर्तन होगा तो जैसे हर एक चीज़ का
नाम कोई भी काम करता है इंसान, तो एक छोटे लेवल पे करता है, तो जब उसके बाद बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, तो उसको वो पदवी मिलती रहती है। ऐसे स्टेडियम है, फिरोज़ शाह कोटला बदला है, और अरुण जेटली होगा, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसे है कि लोगों को कुछ टाइम के लिए ऐसा लगेगा कि ये स्टेडियम है, फिरोज़ शाह कोटला था, इसका नाम बदल के अरुण जेटली हो गया, कुछ टाइम के लिए है। अरुण जेटली जी के साथ भी आपने काम किया DDCA से, जब भी आप कनेक्टेड थे, खेलते भी थे लेकिन एम्पायरिंग भी करते थे, तो कैसा उनका व्यवहार रहता था, आपने मुलाकात की होगी, कैसे वो लोगों को डील करते थे और कैसे वो स्टेडियम के बारे में सोचते थे? देखो, जहाँ तक मेरा उनके साथ मिलने का स्वभाव है, मेरा उनके साथ मिलने का स्वभाव बहुत कम टाइम के लिए है। एक बहुत पहले एक हमारे दोस्त होते थे सुनील खन्ना जी, जो कि डायरेक्टर भी थे, और उनके साथ ही अक्सर मैं जाया करता था अरुण जेटली जी के पास। बहुत अच्छे ढंग से पूछते थे, अच्छे ढंग से केयर करते थे। सुनील खन्ना जी मुझे याद है, आज भी याद है, पूछते थे कि हाँ सुनील क्या, उनसे पूछा करते थे, जैसे कि एक यार दोस्ती रहा, सुनील बता क्या हो रहा है DDCA के अंदर, कैसा चल रहा है, क्या नहीं और क्या हो सकता है। तो वो बहुत ही मतलब इतने अच्छे, मतलब जिसे कहते हैं कि ठंडे दिमाग में मीठे बोल बोलते थे, बड़े अच्छे ढंग से वो पेश आते थे। खुशी होती थी कि एक इतना बड़ा आदमी और एक हमारे जैसे लोगों के लिए जो इतने ढंग से हमें रिस्पेक्ट दे रहा है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, क्या और कुछ नोटिस किया आपने अरुण जेटली की जारे में? क्योंकि हम पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं आपके साथ, हम तो वहाँ उस लेवल पर नहीं पहुँच सकते, किसी भी कीमतों से याद नहीं कर सकते। कोई ऐसी याद जो आपको हमेशा याद रहेगी अरुण जेटली जी के बाद? मुझे याद है एक बार की बात है कि टूर्नामेंट का फाइनल था, और मैंने अरुण जेटली से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ये हमारे टूर्नामेंट को लाइव करवा दो, तो उन्होंने इमीडिएटली उस मेरे लेटर को लिया और इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेके अपने जो उनका PA था उनको बोल दिया, यार ये इसके ऊपर देखो, इसका लुक आफ्टर करो, ये बड़ा पुराना टूर्नामेंट है, इसके ऊपर आपको वर्कआउट करना चाहिए। और उन्होंने एफर्ट्स किए और हमारा टूर्नामेंट लाइव हुआ। तो ये अरुण जेटली जी लगातार सपोर्ट में रहते थे सबके, और सबके लिए काम करते थे, ये कहा जा सकता है? देखो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जितना मैंने देखा, मुझे ऐसा लगता है वो कभी किसी के अगेंस्ट तो गया ही नहीं है, वो सबके सपोर्ट के लिए खड़े होते थे, चाहे वो खिलाड़ी हो या स्पोर्ट्स स्टाफ हो, DDCA का हो या किसी एग्जीक्यूटिव कमेटी हो, सबके साथ वो मिलजुल कर रहते थे। बड़ा अच्छा उनका सबसे स्नेह था, प्यार था, बहुत अच्छे बेहतरीन इंसान थे वो। जी हाँ, अरुण जेटली जी बेहतरीन इंसान थे। प्रमोद सूद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, और आगे भी इसी तरह की बातें जो है प्रमोद सूद जी के साथ हम करते रहेंगे, क्रिकेट को लेकर सारी जानकारियाँ प्रमोद सूद जी से हम लेते रहेंगे, लगातार हमें जानकारी देते रहते हैं, बताते रहते हैं क्रिकेट के बारे में, और खुद भी बहुत अच्छे इंसान और लगातार हर किसी की तारीफ करते हैं। अरुण जेटली नाम अब फिरोज़ शाह कोटला स्टेडियम का कर दिया गया है ऑफिशियली, 12 तारीख को हालांकि अनाउंसमेंट होना है, लेकिन जो सच है वो यही है कि अब वो नाम बदल दिया गया है। और आगे इस तरह की और भी जितनी भी जानकारियां आपको लेनी है, उसके लिए आप दिल्ली दर्पण TV के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।